निवासी हो गए जी हम। ऐसे मेरे को ना आज सुबह से ऐसे फील भी हो रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा पहाड़ी हो गया। वैसे तो मैं पहले से पहाड़ी हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी कहती पहाड़ा का मुंडा पहाड़ा से पहुंच गया है। क्या गल करते पता नहीं यार, वाह क्या सिटी है। हम भी छेड़ेंगे ऐसे, छेड़ेंगे नहीं, दादी जगह दादी खुश हो रही। दादी हम मनाली पहुंच गए, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और हमारे को घर मिल जाएगा जल्दी से? मिल जाएगा, वेरी गुड, सब लोग लगे हुए हैं, मिल जाएगा। आज दादी ने हमारे को आशीर्वाद दिया, दादी कह रही है कि माता रानी का आशीर्वाद है, सब सही हो जाएगा, सब कुछ सही। दिल तो अपना बहुत साफ है, इसीलिए आके लोग कचरा करके चले गए। ठीक है, हम घर ढूंढ लेंगे, आज खाएंगे हम अंडे बॉयल एग। वाह, और यहाँ पर कैसे पूछते हैं ऐसे मनाली में, कैसे हो उसको कैसे बोलते हैं यहाँ की? यहाँ की भाषा तू है कैंडेसा, ठीक सा तू है, ठीक सा, ठीक सा, शोबलेसा, शोबलेसा, बस यही है। समझ गए ना, वैसे आज हमारे को चांसेस है, आज हमारा घर फाइनल हो जाएगा, पर पहले नाश्ता करेंगे, हो जाएगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा। देखो इतने आशीर्वाद मिले, वेरी गुड। कितना सारे दादी ऐसे बोल दो, बढ़िया बढ़िया, आपका भी बहुत बढ़िया। मजा आ रहा, मजा। दादी को पता लग गया हमारे को किचन का काम नहीं आता, दादी हमारे को सिखा रही है करेले, रस्सी वाले करेला काटो आप। हाँ, उसको फिर अंदर से साफ करके। हाँ बिल्कुल, अच्छा। फिर उसमें नमक डालो, मसाला नमक वाला हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक काम करते दादी, एक दिन आप बनाना, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, फिर मैं सीख जाऊंगा। होती मेरी बहू, बहू से देना, मैं तो कभी कभी होती। दादी दादी एक्सपेंसिव है दादी। ठीक है, बढ़िया बोल रही है, दो मिनट का तो काम है, मैं कर रहा ये देखो दादी, मैं किचन वाला हुई नहीं, मैं आज तक घुसा ही नहीं। अरे घुसना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ करेंगे। मेरा बेटा चौथी पांचवी में पढ़ता था, तब से मैंने सारी चीजें सिखाई है अपने बेटों को। ये बेइज्जती हो रही है मेरी, मैं ऑफ कैमरा बेइज्जती सहन कर लेता हूँ। ये देख रहे हो, अंडे आ गए, चाय आ गई। हट बे, मेरी चाय तू क्यों पी रही है? हाँ दादी, मेरी चाय मक्खी पी रही है। हट हट जाओ, जाओ जाओ भैया, जाओ मक्खी, हमारे को एक भी मक्खी नहीं चाहिए। सब उड़ गई दादी, सब उड़ा दी हमने। तीमा तीमा मेन बात क्या है कि सब खा पी के निकले हैं, अब हमारे को जाना है घर ढूंढने। मतलब एक घर हमारे को पसंद आया हुआ है, और दूसरा घर भी हमारे को सही सा लगा है ना बाहर से। और सुबह सुबह अगर आप निकलते हो तो आप कैसे चश्मा वश्मा पहन के निकलना, क्योंकि पहाड़ों पे इंसान कम ही नहाते हैं। मेरी बात कर रहा हूँ, और मेरे जैसे जो भी हो कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी घर ढूंढने जा रहे हैं, मतलब फाइनल करने जा रहे हैं, नॉट तो ढूंढने वाला सीन है आज। आज फाइनल करके ही घर जाएंगे, सामान पैक कर। ये हमारे चीता आर्मी के दोस्त हैं, ये हमारे को घर दिखा रहे हैं। मिल जाएगा ना हमारे को? बिल्कुल ना, ठीक है, जल्दी करो, तैयार हो, चलें घर देख के आएंगे। और इसको बहाना चाहिए सिर्फ बैठने का। ये लड़की और जय, ये दोनों ने बहुत घर ढूंढे हैं जब तक हम यहाँ पर नहीं पहुंचे थे, पर वो सारे घर कैंसिल हो गए, ऐसे ढूंढे हैं। मेरे को ही उठानी पड़ी है जिम्मेदारी। अप्रिशिएटेड, इसने भी बहुत काम किया, थोड़ी तारीफ कर देनी चाहिए हमारे ना। पहाड़ों पे आके ना ऐसे थोड़े चेहरे पर स्माइल आ गई, ये अच्छी बात है। चलो झूले लो, झूले लो, झूले झूठे माटे खंड खीर खा के। किथे गए, किथे गए, किथे गए, किथे गए, ओ भाई। आपको पता है एक आम जिंदगी होती है और एक मेंटल जिंदगी होती है। आम जिंदगी होती है कि आपके घर में प्योरीफायर लगा होता है, या फिर आप नीचे शॉप से एक बिसलेरी का बड़ा बोतल मंगाते हो, पर हम पहुंच गए हैं मेंटल जिंदगी। मेंटल जिंदगी, झरने से डायरेक्ट पानी भरी है, फुल ठंडा पानी है, ठंडा पानी लाइए। और प्लीज कमेंट मत कीजिए कि आप प्लास्टिक की बोतल यूज मत करें, रीयूज हो रहा है 500 बार। और हम कचरा नहीं करते, प्लीज कचरा मत करें अगर आप हिमाचल में आ रहे हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की आवाज नहीं आती, यहाँ पर गाय कुत्ते चिड़िया तोते उनकी आवाजें आती थी। ये हमारा दोस्त है, हमारे को लेकर आया, ओए आजा पानी भरेंगे। देखो अगर आपकी दोस्त अजीब होती है ना, जिनको पानी चाहिए होता है, जैसे कि ये है, उसके बाद कह रही है कि बैग पकड़ो, 5 लीटर पानी भरने के बाद हमारे को ये बैग संभाला गया। अब आपने एक घर तो देख लिया, अब हम जा रहे हैं दूसरा घर, क्योंकि हमारे को जो फाइनल करना था वो हमारे को दूसरे वाला था,
पर पहला हमारे को जैकपॉट मिला, तो हम थोड़े से कंफ्यूज थे। आमदनी उसमें कम इसमें ज़्यादा थी, पर हमारे को घर दूसरे वाला पसंद आया जो अब हम जा रहे हैं, इसलिए दूसरा घर देखेंगे। और ये बदल देख रहे हो, मतलब कदे भी बरस सकते हैं। ओहो हो, बारिश ही बारिश होएगी, कल काले बदल आ गए जी, काले बदल। ये है हमारे नए घर का लॉन, ये हम चलो ये वो एरिया है जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं होता, सबसे अच्छा एरिया है। और ये चप्पल उतार के जाना पड़ता है। ये है हमारा किचन, देख रहे हो किचन, देख रहे हो किचन, सिर्फ किचन नहीं है, डाइनिंग टेबल। इधर हम मस्त सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं, वैसा है मस्त करके, हमारे को बहुत ही अच्छा लगा। और अच्छी बात यह है कि लाइट है, सारा दिन ओरिजिनल लाइट के साथ मजे ले सकते हैं। अब सोचो हमने आपको किचन दिखाया जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, अब हम आपको दिखाते हैं बेडरूम। ये पूरा एरिया हमारा है जी। आइए बेडरूम में भी चप्पल उतार के, क्योंकि इसमें खाली मिर्च। दिस इज बेडरूम, और जो हमारे को सबसे अच्छी बात लगी है, बेड पे तो सिर्फ सोना होता है, दिस इज वार्डरोब। जो 9 बैग भर भर के हमने कपड़े भेजे हैं ना, आई लाइक इट। दिस इज आवर वॉशरूम, क्योंकि मेरे को सफाई बड़ी पसंद है, आज ही धुला है। तो घर हमारा पास हो गया, यहाँ से हमारे को व्यू भी देख लेते हैं, हमने अभी तक व्यू नहीं देखा। आइए आइए हमारे साथ देखिए। ओहो नाइस, थोड़ा सा व्यू में कॉम्प्रोमाइज किया है क्योंकि घर बहुत अच्छा था, पर हमारे को ये पता कि हम 4 कदम इधर 4 कदम उधर भी जाएंगे तो व्यू ही व्यू। तो हमने डिसाइड किया कि संडे को शिफ्टिंग की जाएगी। फिर हमने जो दीदी से घर लिया, उन्होंने बोला कि अगर संडे को इंसान शिफ्ट करता है तो 7 जन्मों तक उसका भला ही भला होता, और अभी हमारे को भलाई का चाहिए। तो घर डिसाइड हो गया, डिसीजन डन। थैंक यू रब्बा, थैंक यू, घर फाइनल हो गया हमारा। देख रहे हो इतनी अच्छी बारिश, मतलब जब भी हम खुश होते हैं हमारे साथ साथ सदा रात भी खुश हो जाए, और क्या चाहिए। हम घर फाइनल करके आए हैं। हाँ हाँ हो गया करे, हाँ फाइनल डील डन, डील डन है ब्रो। बारिश का आनंद ले रहे हैं, और ये वहाँ पर ना एक पहाड़ दिखता है हमारे को, और अभी देखो क्या हाल है। बारिश मिस नहीं करेंगे, मुंबई की बारिश को हम पहाड़ों के फील में एंजॉय करेंगे। हाँ बारिश में ना एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि घूमने में मजा आता है। क्या मस्त लग रहा है, ये देखो ये निकली है, हम भी निकले हैं यार। इतने है बताऊं यार, 2 ही दिन हुए हैं बिना आए हुए, बारिश का मौसम ऐसा है कि हमारे को बोल तेरी पानी, ये घर से पानी ज्यादा गिर रहा है। और एस्थेटिक देखो यहाँ का, मतलब कैसे बाबा, ओहो मजा आ रहा है यार। देखो ना सब जगह लकड़ियाँ वकड़ियाँ सेव कर रखी हैं, इधर फुल फुल रो फील आ रहा है। तो थोड़े दिनों में आपको मैं ऐसे ही मिलूंगा, और भाई जी कुछ खाओगे, यही बोलूंगा। तुम्ही हो दाता प्रभु, तुम्ही हो। थैंक यू जी, थैंक यू, बारिश रुकवा दी, बहुत ही अच्छी बात है, हम बहुत ही खुश हैं, बहुत ही खुशकिस्मत समझ रहे हैं हम कि मुंबई से जब निकले थे तब अच्छा मौसम था, यहाँ पहुँचे अच्छा मौसम हो गया, और दिक्कत वहाँ पर थी कि घर घर मिल गया यार, कमाल हो गई। थैंक यू रब्बा, बस संडे को शिफ्टिंग करेंगे, आज ये मौसम का आनंद लेते हैं। आप भी आनंद लो और हमारी खुशियों में शामिल रहे, सब्सक्राइब करके रखें, लाइक शेयर। लोग बोलते मेरे को बोलता नहीं, रुक जाओ शुरू से बोलता हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली वालों को दिखाएं, अपने रिश्तेदारों को दिखाएं, जो लोग नहीं दिख रहे पकड़ें बिठाएं और दिखाएं, बड़े टीवी पे दिखाएं, मोबाइल पे दिखाएं, टैबलेट पे दिखाएं, जिसके पास जितना बजट है वैसे दिखाएं। थैंक यू, तुसी आपका ख्याल रखो, असी आपका ख्याल रखो, साडा ख्याल रखने वाले बहुत हो गए। थैंक यू, रब रखा जी, रब रखा जी, मनाली थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा वेलकम किया आपने। Well,